हेलो फ्रेंड्स, कैंडी किचन में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर साबूदाने ले लिया है। अब हम इसे भिगोने के लिए रख देंगे। हमने जो साबूदाने भिगोए थे वो देखिए अच्छे से भीग चुके हैं। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है। इसमें हम एक चम्मच देसी घी डाल देंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा तड़कने के बाद में हम अपने साबूदानों को इसके अंदर डाल देंगे। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे, चला देंगे। अब हम इसमें एक चम्मच व्रत वाला सादा नमक डाल देंगे, आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे और ये कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी इसी में ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए ये कितनी खिली खिली बनी हुई है। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।